कानून सुनाया करता है आदमी बीरवानी से डरा है। ठीक है माना है होम मिनिस्टर हो बीरवानी भाई, हमारे वंश को चलाती हैं, घर परिवार को चलाती हैं, दो दो ड्यूटी करती हैं, लेकिन आप सच बोलने से भी डरते हो। मैं जब तक बॉर्डर पे आती रहूंगी, जब तक ये सह सम्मान मेरे सारे के सारे बॉर्डर पे से किसान अपने घर नहीं चले जाते। कोरोना कितना समझदार होगा, जहाँ चुनावी रैली है इस सरकार की, वहाँ कोरोना न्यारा फोन करके मना कर देता है कि भाई मैं नहीं आऊंगा क्योंकि तुम्हारी रैली चल रही, मोदी जी की रैली चल रही, अमित शाह जी की रैली चल रही, गृह मंत्री जी की, डर लग रहा मुझे, मैं रैली में नहीं आऊंगा, जब तुम्हारी रैली खत्म हो जाए जब बताती हो जब आ जाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और हमारे साथ अभी मौजूद हैं पूनम पंडित। अभी हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर से, अब इनसे बात करना चाहेंगे। मैम पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैम अभी किसान आंदोलन का क्या रुख है, अभी क्या स्थिति है? जो किसान आंदोलन चल रहा है आप तो आ रही हो यहाँ डेली देख ही रही हो, क्या रुख है? शांति से आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं धूप में परेशान इतने हालत में, आपको भी दिख रहा बस सरकार को नहीं दिख रहा। तो मैम इतनी तेज धूप है यहाँ पे आप देख सकती हैं, ऐसे में जब हम किसान खेत में रहे ना, हमारे जो बुजुर्ग हैं बड़े बड़े, जब वहाँ एसी पेसी ना लगते हैं, पंखे वंखे ना लगते, लगे हैं चाची जी? नहीं लगते हैं। तो सब पता कि किसान की जो जात है ना, ये किसान जात कष्ट दुख सहन करना और मजबूती और परिस्थितियों का सामना करना, इसकी जन्मजात पैदा जब भी होता है छठी में पहले ही पूज जाता है। मैम तो अभी तक कितनी बैठकें हो चुकी हैं लगभग किसानों के साथ सरकार की? 11-12 बैठक होगी और अब एक भी बैठक ना हुई इतने दिन से, कोई उधर से वो नहीं आ रहा। देखो जब बात करेंगे समाधान तो बातचीत की टेबल पर होगा ना, हमारे जितने नेता किसान नेता हैं मोर्चा मंच में जितने भी हैं वो सभी तैयार हैं बात करने को, यही तैयार ना, हम तो कह रहे बात कर लो, जब बात करोगे तभी तो समाधान होगा, समाधान ये तैयार ही नहीं है क्योंकि ये तो अपने चुनावी रैली में और बांग्लादेश में अरबी जी लग रहे हैं विदेशों में जाने में, बस ये तो हमार भी जी है ना, देश की थोड़ी चिंता, इतने 33,000 कितने करोड़ का नुकसान देश का हो रहा नुकसान, ये ना उसकी थोड़ी चिंता, और ना तो चुनाव आने से पहले सह सम्मान किसान ने श्रद्धांजलि अर्पित करते जो मेरे शहीद बुजुर्ग शहीद हुए हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं नमन करना चाहूंगी उन्हें, तो इन वाले को सह सम्मान घर भेज देते जब अपनी चुनावी तैयारी करते, जब बांग्लादेश के दौरे लगाते करे उन्होंने ऐसा, भाई ये बिल रद्द कर दे मैं ये सारे घर चले जाएंगे, फिर थोड़ी बैठोगे बाबा? नहीं बैठेंगे भाई, काम है अपने घर में, हम पहले थोड़ी बैठे हैं। पूनम जी जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना के केसेस फिर से लगातार बढ़ रहे हैं, वैसे में आप ऐसे रोड पे प्रदर्शन कर रही हैं, फिर आप क्या सोचा है आपने, कब तक ऐसे प्रदर्शन कीजिएगा आप रोड पे? यू प्रदर्शन जब तक चलेगा, जब तक ही देखे, मैं पूनम पंडित, मैं जब तक बॉर्डर पे आती रहूंगी जब तक ये सह सम्मान मेरे सारे के सारे बॉर्डर पे से किसान अपने घर नहीं चले जाते, मेरा तो ये विचार है। कौन क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा वो छोड़ दो, दूसरी बात आपने देखो 300 से ज़्यादा शहादत हो गई, हुआ किसी का कोरोना से शहीद हुए कोई? नहीं हुआ। दूसरी बात कोरोना कितना समझदार होगा, जहाँ चुनावी रैली है इस सरकार की, वहाँ कोरोना न्यारा फोन करके मना कर देता है कि भाई मैं नहीं आऊँगा क्योंकि तुम्हारी रैली चल रही, मोदी जी की रैली चल रही, अमित शाह जी की रैली चल रही, गृह मंत्री जी की, डर लग रहा मुझे, मैं रैली में नहीं आऊँगा, जब तुम्हारी रैली खत्म हो जाए जब बताती हो जब आ जाऊँगा। जहाँ किसान अपने अधिकार के लिए बैठा, जहाँ तुम्हारे जैसे युवा बैठे हैं, वे लड़की बैठी ना एसएससी वाली, वहाँ कोरोना हो रहा बस। भाई कोरोना भी देखो कैसा अजीब वायरस है, मेरी तो उम्र में पहली बार देखने को दिख रहा, मेरे हिसाब से तो सारी देश की जनता को ऐसा वायरस पहली बार मिल रहा देखने को, कि जहाँ सरकार कहेगी वहाँ कोरोना आएगा नहीं तो नहीं आएगा। पूनम जी युवाओं को लेकर आपकी क्या राय है, आज युवा देश की युवा जो है सड़कों पर आ गई है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मैं तो यही कहना चाहूंगी माननीय मोदी जी, सह सम्मान इन किसानों ने भी घर भेज दो, जो युवा हैं जिनसु आपने वादा करा, युवा का बहुत योगदान है आपको हर हर मोदी घर घर मोदी करने में, उन्हें जो आप नौकरी दे दें, आपने देखा वो मेडिकल फिट बच्चे बैठे हुए सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, उनकी क्या हालत हुई आपने वो भी देखी होगी, तो आपने जब वादे करे। दूसरी बात जब हम किसी को सत्ता में बैठा हमें प्रधानमंत्री पद पर या मुख्यमंत्री पद पर, तो हमारे राजा का काम होता है कि हम देश की जनता की समस्या सुने, आज हमारा युवा भी समस्या से जूझ रहा, तुम्हारी जैसी महिला भी जूझ रही है, ये मेरे किसान भाई तो 4 महीने से जूझ रहे हैं, आपका फर्ज और कर्तव्य और धर्म बना, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी इस देश से प्यार है या कभी आपने इस देश को अपना समझा हो, तो आप इन्हें किसानों ने सह सम्मान घर भेज दो, इन युवाओं को ये नौकरी पे अच्छे लगे, धरने देते अच्छे ना लगते, लेकिन आप धरने दिवा रहे हो इन पे, तो अनुरोध है आप इन्हें नौकरी दे दें, इन बुजुर्गों को घर भेज दें। पूनम जी 2 महीने से एसएससी के जीडी के जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी अभी भी नहीं सुन रही है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप एकजुट रहें, जब जब कोई सरकार हमारे अधिकार को दबाती है, तुम्हें इतना तो पता, मेरे से तो खैर सारे ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार हैं, जब जब कोई अधिकार हमारे अधिकार को कोई सरकार हमारे दबावेगी ना, और जब आप एक रहोगे तो इनके दिमाग में बौखलाहट हो जाती है जो अब हो रही है, कोई भी ये निर्णय नीति अपना में हमारे खिलाफ हमारे आंदोलन को या आपको तोड़ने की, तो आपको टूटना नहीं है, बस
आपको भटकना नहीं है, धर्म जात भेदभाव में नहीं आना, आपको एक रहना, बस एक चीज़ ध्यान रखने कि आप इस देश के वासी हैं। ख्वाब, भारत क्या है? ख्वाब। ख्वाब में तो कोई भी आ सका है, आप भी आ सको, मैं भी आ सकूं, ठीक, कौन सी जात क्या है कुछ नहीं है, ख्वाब, ये भारत देश ख्वाब है, ख्वाब में कोई भी आ सकता है, बस आप इस बात को ध्यान रखें। और भारत एक गुलदस्ता, बहुत खूबसूरत खूबसूरत फूल है, इसमें आप सब लोग इस गुलदस्ते को सहज के रखें, तोड़े ना और ना किसी पे तुड़वा में, ताकि आने वाली नेता नस्ल भी सुधरे। अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर रैलियां हो रही हैं मैम, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगी सरकार से? माननीय मोदी जी, अभी तो आपको बंगाल में मुख्यमंत्री पद के दावेदार ना मिले, ऐसा आया सुनने में, पत्रकार भाई ने बताया, बताया ना अभी पत्र, आपने नहीं बताया, बताया लेकिन डरो मत, बताया अभी मेरा इंटरव्यू चल रहा, बताया ऐसी बात कर रहा है, पता नहीं सच बोलते हैं आदमी क्यों घबरा हुआ है, पहले तो सुने कर रहे थे आदमी बीरबानी सुन डर है, ठीक है माने होम मिनिस्टर हो बीरबानी भाई, हमारे वंश को चलाती हैं, घर परिवार को चलाती हैं, दो दो ड्यूटी करती हैं, लेकिन आप सच बोलने से भी डरते हो, हद कर दी। अभी तो माननीय योगी जी मोदी जी से अनुरोध है कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार ना मिल रहे, अगर आपने किसानों का सम्मान नहीं करा, आपकी सरकार ने सम्मान नहीं करा, युवाओं की बात नहीं सुनी, ना इनकी बात मानी युवाओं की, तो मेरा अनुरोध है कि आपको कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे आपकी सरकार को। पूनम जी, जैसे कि आप एक महिला हैं और इतनी तेज धूप में आप अभी सड़क पर प्रदर्शन कर रही हैं, तुम भी तो आई हो अपना कर्तव्य करने, अपना धर्म कर्म करने के लिए, कब तक आप ऐसे सड़क पर प्रदर्शन करती रहेंगी, आगे क्या रणनीति है आपकी? मेरे बुजुर्ग यहाँ किसान बैठे हुए हैं, मैं तो जब तक इनकी गल आती रहूंगी, जिस दिन ये सहसम्मान सारे बॉर्डरों से अपने घर चले जाएंगे उस दिन हम भी ना आएंगे भाई, हम तो इनके भी साथ हैं, आने वाले कल में जब भी इन्हें दिक्कत होगी, समस्या होगी, मैं आती रहूंगी। और जिनको मेरे से घबराहट हो रही है ना, पूनम पंडित ये, पूनम पंडित वो, पूनम पंडित वो, कृपया करके घबराहट को कंट्रोल में रखें। अभी यूपी में पंचायत चुनाव आने वाला है, तो उसको लेकर आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? वाली पंचायत चुनाव, हमारे चुनाव से क्या मतलब, हम न लड़ते हैं चुनाव पुनाव, हमारा कोई वो नहीं, लेकिन देश में जहाँ भी चुनाव होंगे, इन किसानों की गैल क्या करा सरकार ने, महिलाओं की गैल क्या करा, तुम्हारे जैसे युवा की गैल क्या करा, पढ़ी लिखी लाली नौकरी पे होती अगर ये देते तो यहाँ ना खड़ी होती है, या हुक्का लेके है ना, और आने वाले हर जगह हर चुनाव में देखने को मिलेगा इनको हिसाब किताब। तो आगे आपने क्या सोचा है, कब तक ऐसे आप प्रदर्शन करेंगे? बताया तो मैंने, जब तक ये बैठे हैं बॉर्डर रन पे, जब तक बैठे हैं, जब आपकी मांग पूरी हो जाएगी आप यहाँ से चली जाएंगी? जब बिल्कुल, अब एक बात बताओ, कोई हमारा यू मतलब पैदाइशी वो थोड़ी की विरोध करते रहो बेमतलब की भाई, अब तो हमारे अधिकार की बात चल रही है, जब हमारी बात मान लेंगे। आज 4 महीने हो गए आपको प्रदर्शन करते हुए, सरकार ने बिल वापस नहीं लिया और अभी भी आप प्रदर्शन कर रही, तो आगे क्या रणनीति बनाई है आपने, कैसे सरकार सुनेगी आप? जो ये किसान मोर्चा मंच है हमारा, ये इनके नेतृत्व में आंदोलन चल रहा, हम तो इनके बच्चे हैं, जिस आधार पर ये करेंगे, जो ये आवाज वहाँ से निकालेंगे, तो हम तो उसका सहयोग करेंगे, समर्थन करते हैं किसानों को और करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थी पूनम पंडित, जिनसे हमने किसान आंदोलन को लेकर चर्चा की। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।